उधर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नया समन जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि 48 वर्षीय हेमंत सोरेन को रांची स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को ईडी के सामने पेश होने से घबराना नहीं चाहिए बल्कि केंद्रीय एजेंसियों का सहयोग करना चाहिए। देखिए, ये तो चिंताजनक विषय है और दुख भी होता है कि झारखंड जैसा एक अच्छा प्रदेश जहां मुख्यमंत्री आज गंभीर आर्थिक आरोपों से घिरे हुए बार बार ईडी इनको कॉल करती है और ये जाते नहीं हैं। इनको भी अनुशासन का परिचय देना चाहिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता ने इनको जिताकर भेजा है, तो लोकतंत्र की गरिमा भी होती है, जाना चाहिए, फेस करना चाहिए। भागने से क्या होगा? आप पर आरोप तो लगातार लग रहे हैं, मीडिया में आ रहा है, जनता भी जान रही है, आपके ओन विधायक बोलते हैं कि भाई इस सरकार में खनिज संपदा लूटी जा रही है। इनके अपने लोविन हेमब्रम जी का बयान आप एक नहीं, दो दो तीन तीन बार उनका आया है, इसलिए जाना चाहिए, फेस करना चाहिए उनको। कांग्रेस और जेएमएम के नेताओं के बयान आ रहा है कि ईडी और इनकम टैक्स जो रेड मारी जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा और केंद्र सरकार के कहने पर ही ये कार्रवाई हो रही है और सिर्फ कांग्रेस और इंडिया अलायंस के नेताओं। अरे भाई, तो देखिए सांच को आँच क्या, आप लोग भी देख रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लगातार राजनीतिक उठक बैठक हो रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से राजनीतिक दलों के बीच लगातार बयानबाजी का दौर चल पड़ा है। उसी कड़ी में राजधानी रांची में एक बार फिर से ईडी कार्यालय की ओर से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को छठा बार समन भेजा गया है। जी हाँ, 5 समन में वो पेश नहीं हुए थे। आपके जानकारी के लिए मैं बता दें कि यह छठी बार समन भेजा गया है। अब बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन जी अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण शायद पेश ना हो इस बार भी। हम आपको विजुअल दिखाना चाहते हैं कि यही ईडी कार्यालय है जो कि हिनू स्थित यहाँ पे मौजूद है और यही रोड एयरपोर्ट भी जाती है, रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, और यही ईडी ऑफिस में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पेश भी होना है और लगातार ईडी कार्यालय से समन भेजा जा रहा है। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू प्रकरण के बीच ये फिर से जो समन भेजा गया है। आज सुबह सुबह ये खबर मिली कि ईडी द्वारा छठा बार समन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजा गया है। यह अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहे हैं क्योंकि राजनीतिक उठक बैठक लगातार हो रही है और इसी बीच मुख्यमंत्री को समन भेजा जाना बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब देखना है कि क्या मुख्यमंत्री इस समन पर कुछ ठोस कदम उठाते हैं, वो कार्यालय आएंगे या अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण वो नहीं आ पाएंगे। राजनीतिक पंडित जो हैं उनका कहना है कि जो ईडी द्वारा समन भेजा गया है एक बार फिर से वो कहीं ना कहीं झारखंड में राजनीतिक सरगर्मी भी तेज कर सकती है। बयानबाजी नेताओं के बीच यह भी लगातार जारी है और यह समन जो वापस से भेजा गया है वह कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। रफ्तार मीडिया से संवाददाता सौरभ राय, सहयोगी लकी के साथ, रांची।